मुश्किल घड़ी में हम सब साथ हैं, इसीलिए भारत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। आगे बढ़ेंगी खबरों में। गुरुग्राम के बाद अब पानीपत में भी मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। किसी भी दुकान पर बिना मास्क के आने वाले लोगों को सामान नहीं दिया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने पर 188 के तहत 6 महीने की सजा भी हो सकती है। कहते हैं राज यानी सरकार भय या प्रीत से चलती है। कोरोना काल में भी हम मान सकते हैं कि प्रशासन भी भय या प्रीत से चलता है। यही वजह है कि लॉकडाउन के बावजूद लोग सड़कों और गलियों में बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे। इसलिए दिल्ली एनसीआर में गुरुग्राम के बाद अब पानीपत में भी डिप्टी कमिश्नर हेमा शर्मा ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। जो मास्क लगा के आ रहे सिर्फ उसी को सामान दे रहे हैं, जो नहीं लगा के आ रहा उनको भूल भी रहे और सामान भी नहीं दे रहे। सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से हम बिना मास्क वालों को तेल नहीं दे रहे हैं। जो मास्क लगा के आ रहा है उसी को ही तेल मिल रहा है, नहीं तो बाकियों को मना कर दिया जाता है। आदेश दिए गए हैं कि किराना वाले, दूध वाले, सब्जी वाले, मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंपों पर सामान और सेवा तभी मिलेगी जब खरीदार के मुंह पर मास्क होगा। केवल ग्राहक ही नहीं दुकानदार को भी मास्क लगा होना चाहिए। इसी तरह जिला पुलिस भी सख्त हो गई है। कोरोना के नोडल अफसर डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश कुमार ने माइक खुद संभाल लिया है। मेरी अपील है कि इस देश को बचा लो। मेरा अनुरोध है कि सब्जी खरीद के चक्कर में ना पड़े, आपकी गली में रेडी पहुंचेगी सब्जी की, आप वहीं से सब्जी लें। इतनी कोई इमरजेंसी नहीं है कि सब्जी के बिना आपका काम ही नहीं चल पा रहा है। सब्जी आपके घर घर पहुंच रही है। कृपया करके 2 पैसे के लालच में इस देश को बर्बाद ना करें। यानी जब प्रीत को लोगों ने नहीं माना, अब भय का सहारा लिया जा रहा है। क्योंकि कहते भी हैं राज हो या प्रशासन, ये भय या प्रीत से चलता है। टोटल टीवी की भी अपील है, कोरोना की लड़ाई हम जीत सकते हैं। ये हाथ से फिसल गई तो बहुत पछतावा होगा। मर्जी है आपकी, आखिर जिंदगी और देश का सवाल है। टोटल न्यूज़ पानीपत ब्यूरो।